आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पहाड़ी बहू व्लॉग्स में। सो मैं एक और वीडियो लेकर आज आ गई हूँ और ये वीडियो स्पेशली है जब आप सुबह कुछ नाश्ते में कुछ अच्छा सा चटपटा सा और सबसे बड़ी बात हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप क्या खाएं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वर्मसली पुलाव, यानी नमकीन सिवैया या सिवैया का पुलाव जिसको हम कहते हैं, जो होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत कम समय में बनके तैयार हो जाता है। तो अब आप चाहे अपने बच्चों को टिफ़िन में दें या ऑफिस में, अगर आपके हस्बैंड जाते हैं ऑफिस में पैक करके दें, या खुद कुछ अच्छा खाने का मन करता है सुबह या शाम को चाय के समय, तो इसको झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। और ये जो है आप बेसिकली जो सिवैयां हैं वो यूज़ करें जो सूजी से बनी हुई होती है बेसिकली, या पूरी तरह से अवॉइड कर लें घर में नूडल खाना या चाउमीन, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टेस्टी होने वाला है कि आप ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ मिल के बनाएं नमकीन। तो हमारे यहाँ है ये घर पे ही कड़ी पत्ते का पेड़, तो मैं यहाँ से फ्रेश जो है कड़ी पत्ता तोड़ूंगी, क्योंकि कड़ी पत्ते से जो स्वाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इतना कड़ी पत्ता जो है काफ़ी होगा। देखिए कितना सुंदर पेड़ हुआ है, बिल्कुल हरा हुआ, और इसका टेस्ट जो है हमारे जो सेमिया वाला पुलाव है उसमें चार चांद लगा देगा। हमारे गमले में हो रहा है यहाँ पर पुदीना, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा पुदीना। तो ऊपर ऊपर से जो है मैं इस तरह से इसके पत्ते तोड़ लूँगी। पुदीने से जो है टेस्ट भी आता है और एक अच्छी सी फ्रेशनेस भी आएगी, और ऑफ़ कोर्स ये स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। तो इससे फ्लेवर टेस्ट सब कुछ बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा हमारा पुलाव। तो यहाँ देखिए मैंने तोड़ लिया है मिंट एकदम फ्रेश, और यहाँ पे हमने और भी सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये देखिए, और फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो इसके लिए जो सामान चाहिए वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर ये सिवैया, तो ये कोई ब्रांड का स्पॉन्सर नहीं है, तो यहाँ पर है ये 100% सूजी वाली। आप जो है चेक करके लें, जो मैदे वाली होती है उसको अवॉइड करें। तो यहाँ पे मैंने दो सिवैया के पैकेट ले लिए हैं, साथ में ली है हरे ताज़े मटर, दो बड़े प्याज और एक आलू। अब इनको किस तरह से कट करना है ये मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते और कड़ी पत्ता। तो अभी मैं इनको जो है अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। तो यहाँ पोटैटो को मैं इस तरह से पहले लेंथ में इस तरह से कट कर लूँगी, उसके बाद इस तरह से इसको छोटे छोटे से स्क्वायर पीस में कट कर लूँगी ताकि ये ईजिली पक जाए, और जब ये मुंह पे आएगा तो ये काफ़ी क्रंची लगेगा। हमने यहाँ पर चॉप करके रख लिया है। अब जो प्याज है अब उसको जो है इसको हम लंबे में इस तरह से लंबे पीसेस में कट करेंगे। तो सारे प्याज हमने चॉप कर लिए हैं, इसको हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारा पुदीना है, हम इसको भी हल्का हल्का सा जो है चॉप कर लेंगे। हल्का हल्का सा पुदीना चॉप कर लिया, कड़ी पत्ते को भी हम हल्का हल्का सा कर देंगे चॉप। और साथ में हरी मिर्च भी कट कर लेंगे। पर मैंने ली है लोहे की कढ़ाई और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा तेल। लोहे की कढ़ाई मैंने इसलिए यूज की है यहाँ पर क्योंकि जो है सबसे अच्छा नॉनस्टिक बर्तन जो मुझे लगता है
कि वो लोहे की कढ़ाई ही है और इसमें जो है चिपकती भी नहीं, बहुत अलग खिली खिली भी बनती है और जो है एकदम गिलगिली से नहीं बनती, एकदम ड्राई और क्रिस्पी सी आपकी जो है नमकीन सेवैयाँ बनेंगी। आप चाहें तो नॉन स्टिक बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सिल्वर या एल्यूमिनियम की कढ़ाई आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो है सिवैयाँ नीचे चिपक जाती है, तो सबसे अच्छा है कि आप लोहे का बर्तन ही यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 चम्मच ऑयल, आप चाहे घी में बनाएं या जिस भी चीज़ में बनाएं थोड़ा सा ऑयल डालें। और यहाँ पर अब ऑयल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर डालूंगी जो है सिवैया और इसको जो है कर लूंगी हल्का सा रोस्ट। तो मेरे पास 2 पाउच है, मैं दोनों के दोनों पैकेट इसमें डाल दूंगी और अच्छा सा इसको जो है गोल्डन कलर आने तक मैं इसको जो है अच्छे से भून लूंगी। तो ये जो है ये यहाँ पर हो चुकी है ब्राउन, यहाँ देखिए ये अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है इसको। अब मैं इसे किसी बर्तन पे जो है अलग से निकाल लूंगी। मार्केट में 2 तरह की सिवैयां आती हैं, एक जो बिना रोस्ट वाली और एक होती है रोस्टेड, तो आप कोई भी सिवैयां ले, हल्का सा उसको रोस्ट करना जो है जरूरी है। इस वाली को ज़्यादा रोस्ट करना पड़ता है, जो रोस्टेड होती है उसको थोड़ा हल्का रोस्ट करते तो उस वो भी अच्छा टेस्ट देगा। तो मैंने यहाँ पर जो है बिना रोस्टेड वाली सिवैया ली थी, आप चाहे तो रोस्टेड वाली भी ले सकते हैं। तो इसको पूरा मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो जो है रोस्ट करके एक तरफ कर लिया, हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और, थोड़ा सा ऑयल और डाला हमने। लोहे के बर्तन में बनाने की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि आप बहुत कम ऑयल में भी अच्छा खाना बना सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पर अभी डाल दिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी ये कटे हुए आलू, क्योंकि आलू फ्राई होना ज़रूरी है। अगर मैं प्याज या और चीज़ें इसमें पहले डाल दूंगी तो आलू कच्चा रह जाएगा। तो आलू को अच्छे से हम कर लेंगे यहाँ पर फ्राई। आलू जो है ना हल्का हल्का कलर चेंज करने लगा है और हल्का हल्का जो है पकने लगा है, और इस तरह से ये जब पकने लगता है तो आपस में इस तरह से ऐसे चिपकने लगता है। तो इस कंडीशन में हम डालेंगे यहाँ पर मटर, ताकि मटर जो है अच्छे से इसके साथ पक जाए। तो अब हमने इसी के साथ इसमें डाल दी है हरी कच्ची मटर, और अब हम आलू और मटर दोनों को एक साथ जो है अच्छे से इसमें जो है भून लेंगे। मटर कच्ची है तो इसके साथ पकाने से जो है ये पक जाएगी। आप चाहें तो इसमें उबली हुई मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं डालूंगी यहाँ पर कटा हुआ कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता जो है इसी के साथ भून कर जो है थोड़ा हो जाएगा कुरकुरा, तो उसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर बाद में डालेंगे तो वो कच्चा रह जाएगा, अगर पहले डाल देते तो वो बिल्कुल एकदम जल भून कर काला हो जाता। तो इस टाइम पर जब मटर थोड़ी सी भून जाती है तब आप डालेंगे कड़ी पत्ता, और साथ में अब मैंने यहाँ डाल दिया है कटा हुआ प्याज, और प्याज को जो है हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, प्याज हल्का सा कच्चा कच्चा रहेगा जिससे इसमें जो है हल्का सा मीठापन जो रहेगा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसमें हम अच्छे से प्याज को जो है भून लेंगे। अब यहाँ प्याज जो है भुन चुका है, साथ में अब हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को जो है अवॉइड करें। तो यहाँ पर हरी मिर्च मैंने डाल दी है, अब हम इसमें डालेंगे बाकी के बचे हुए मसाले, और उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हम डालेंगे हल्दी नमक और मिर्च, और इसको जो है अच्छे से जो है हम यहाँ पर पहले पका लेते हैं। और प्याज देखिए हल्का सा जो सॉफ्ट भी हो चुका है। अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक, जितना आप खाते हैं हल्का रखें वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी कटी हुई हरी मिर्च इसमें डाल दी है। अब इन सारे मसालों को डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स, जिससे सारे मसाले हमारी इन सब्जियों में जो है मिल जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रोस्ट की हुई जो सिवैयाँ रखी हैं इसको,
और इसको भी इसमें अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, ऐसे बिल्कुल जैसे नमकीन होती है ना, जैसे पोहा या भेलपुरी टाइप, इस तरह से देखने में लग रहा है। इसको हम अच्छे से जो है इसमें कर लेते हैं मिक्स, जिससे सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। अब हमें इसे पकाने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा पानी, तो पानी अब हम इसमें जो है ऐड करेंगे। और पानी कितना डालना है, सिर्फ इतना कि जिसमें आपकी ये सारी का सारा जो मसाला है, जो सारी सिवैयाँ हैं, ये उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। ज़्यादा डालेंगे तो गीली गीली हो जाएगी, और कम डालेंगे तो सिवैयाँ कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है 2 गिलास पानी इसमें डाला है। 2 पैकेट मेरे पास जो 10-10 रुपीज़ की थी सिवैयाँ, वो थी, और यहाँ पर मैंने उसके लिए जो है 2 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। अब आप यहाँ देखिए मैं कितना पानी डाल रही हूँ, इतना कि अब ये अच्छे से जो है मेरी सिवैयाँ देखिए इसमें अंदर सेट हो रही हैं, इतना इसमें डूब गया है। और अब आपको गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर और इसको ढक के पकने के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट के लिए छोड़ देना है। बार बार चेक करें, 2 मिनट बाद चेक करें, और ना पका हो तो दोबारा ढक दें। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको कुक करना है। और यहाँ पर देखिए मेरी जो सिवैयाँ हैं एकदम बन के रेडी है, देखने में बिल्कुल चाउमीन के जैसी लग रही है, बट उससे कई ज़्यादा हेल्दी। आप अपने बच्चों को दें टिफ़िन में, और एकदम देखिए कैसी फरफरी बनी है, खिली खिली, जैसे वेज बिरयानी या वेज पुलाव होता है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए, ये सबसे अच्छा फूड है, अपने टिफ़िन में पैक करके जाएं और कहीं भी जाएं, कहीं भी खोल के खाएं, जो हेल्दी भी है, और ये मैगी नूडल्स वगैरह के जैसे जो है चिपकता भी नहीं है। और इस तरह से आप जो है गर्मा गर्म सर्व करें शाम की चाय के साथ सुबह के नाश्ते में, बच्चों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये रेसिपी। तो आप जो है मेरी ज़रूर ट्राई करें, और आप जो सब्जी चाहे इसमें डाल सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, जो भी सीजनल सब्जियां आपको पसंद है वो आप सब इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, आलू लिए हैं, प्याज लिया है, क्योंकि मुझे मेरे इस पुलाव में यही सब चीज़ें पसंद है। और यहाँ देखिए खिला खिला पुलाव एकदम रेडी है अब खाने के लिए। अब जो है मैं इसको गर्मा गर्म जो है प्लेट में सर्व करती हूँ। आप भी ज़रूर बनाएं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। सो यहाँ मैंने इसको सर्व किया है एक हरी मिर्च के साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा और ज़्यादा पसंद है। आप चाहें इसमें हल्का सा नींबू ऊपर से कट करके जो है डाल सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, जिससे टेस्ट और भी कई ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।